This is Radhika Gaur with the session number 10th of this chapter Work and Energy. And in this session, we are here going to discuss about the question answers of SAT 2. Clear? So, abhi hum yahan pe question answers discuss karenge of SAT 2. So, the question number 1 is the potential energy of a freely falling body decreases progressively. Does this violate the law of conservation of energy? And why? जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होती चली जाती है, सही है? बट द थिंग इज, क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करती है? सो नॉट, दिस डज नॉट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस इन दिस केस. इस केस में क्या होता है, आई एग्री कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती चली जाती है, बट पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज होने के साथ साथ जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी तो इंक्रीज होती जाती है. क्लियर? दैट इज व्हाई, नो, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन डज नॉट वायलेट. बिकॉज सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जैसे जैसे रेस्ट की पोजीशन मोशन में आती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जा रही है, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वायलेट नहीं हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? यदि आप किसी भी bicycle को ride कर रहे हो तो कौन से से various energy transformations हैं जो होते हैं? Actually, in case of riding a bicycle, the muscular energy is converted into the kinetic energy of the bicycle. जब भी कोई person bicycle ride कर रहा होता है तो उसकी जो muscular energy है वो convert होती चली जाती है in the kinetic energy of the bicycle. जब मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली वहां पे क्या रहेगा, वहां पे ये रहेगा कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैकेनिकल एनर्जी, जो मस्कुलर एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट? वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग ऑन? क्या जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो वहां पे होगा जहां पे आप जो ह्यूज रॉक को पुश कर रहे हो अपनी सारी मस्कुलर स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन फिर भी आप उसे हिला नहीं पा रहे हो? यदि ऐसा है तो क्या होगा कि वो जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? यू हैव टू थिंक इट ऑन, यू हैव टू एग्जामिन एंड यू हैव टू आंसर इट योरसेल्फ. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 units of energy during a month. एक कोई भी household है जो 250 units consume करता है during a month. Clear? एक month में वो 250 units consume कर रहा है. Then how much energy is this in joules? तो joules में वो energy कितनी होगी? Now energy consumed is equals to 250 units, right? That is, that will be equals to 250 kilowatt hour. Clear? 250 into 1000 into 3600, so 250 into 1000 joule per second into 3600 second. Clear? So that will be is equals to 9 into 10 to the power 8 joule. Your next question is, an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. एक कोई भी object है जिसका mass 40 kg है, उसे raise किया जाता है 5 meter की height पे above the ground, ground के above. Then what is its potential energy? उसकी potential energy क्या होगी? If the object is allowed to fall, यदि जो object है, उसे allow किया जाए गिरने के लिए, what is its kinetic energy when it is halfway down? तो उसकी जो kinetic energy है, वो क्या होगी जब जो object है, वो halfway down है? Clear? That is, हमें given है, m is equals to 40 kg. h given है हमें 5 meter. Now we know that p is equals to mg h होता है. That is, 40 into 5 into 10 will be equal to 2000 joule. Now when it allowed to fall, its potential energy get converted into kinetic energy. जब भी हम उसे allow करेंगे fall होने के लिए, तो उसकी जो potential energy है, वो kinetic energy में convert हो जाएगी. So when it reaches to the half way, जब वो half way reach करेगी, half of its potential energy get converted into the kinetic energy. तो उसके जो half potential energy है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी. दैट इज mg h upon 2 will be equal to 1 upon 2 mv square. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगी mg h upon 2. तो यहां पे m हमारा 40 गिवन है, g 10 into 5 upon 2, दैट इज व्हाई काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल्स टू 1000
जूल। The next question is, what is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer. कोई भी एक सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूम रही है उसके थ्रू जो वर्क डन होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू वो कितना होगा। एक्चुअली वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज जीरो। जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट, सैटेलाइट पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क करेगी मूविंग अराउंड द अर्थ इज जीरो, वो जीरो होगा। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन इज 90 डिग्री। क्योंकि जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में सर्कुलर मोशन के टाइम पे वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब एंगल 90 डिग्री है तो W इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा जब हमारा 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। दैट इज वाई वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड। एक कोई पर्सन है जो हे के बंडल को अपने होल्ड करके रखता है अपने हेड पे 30 मिनट्स के लिए और वो टायर्ड फील करता है। हैज ही डन सम वर्क और नॉट, क्या उसने कुछ वर्क किया या नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। सो ऑन होल्डिंग अ बंडल ऑफ हे ओवर द हेड वर्क डन बाय द पर्सन इज जीरो। यदि जो पर्सन है वो एक बंडल ऑफ हे को होल्ड कर रहा है अपने हेड के ऊपर तो जो वर्क डन उस पर्सन ने परफॉर्म किया वो जीरो होगा बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो वर्क डन जीरो होता है क्योंकि W इज इक्वल टू एफ इनटू एस होता है। एस जीरो हो जाएगा तो W भी जीरो हो जाएगा। क्लियर दैट ऑन होल्डिंग अ बंडल ऑफ हे ओवर द हेड वर्क डन बाय द पर्सन इज जीरो बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। Your next question is, an electric heater is rated 1500 watt. एक कोई electric heater है जिसको rate जिसका rate है जो 1500 watt का है। How much energy does it use in 10 hours? 10 hours में वो कितनी energy use करेगा? हमें given है P is equals to 1500 watt. Time given है हमें 10 hours. That is 10 into 60 minutes. That is 10 into 60 into 60 seconds. Clear? P is equals to होता है W upon T और we can say E upon T क्योंकि work done is equals to energy होता है। Energy is equals to हो गया हमारा P into T, that is 1500 into 10 into 60 into 60. So E is equals to हो जाएगा 5.4 into 10 की power 7 joule. Is that clear? Your next question is, in each of the following, a force F is acting on an object of mass M. तीन आपको objects दिए हैं, हर केस में जो फोर्स है वो लग रही है ऑब्जेक्ट पे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जैसे कि लॉन्गर एरो शो कर रहे हैं। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। सो सी हियर इन फिगर 1, एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज 90 डिग्री। फिगर 1 में जो एंगल है एस और एफ के बीच में वो 90 डिग्री का है। जब एंगल 90 डिग्री का है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि हमने स्टडी किया है जीरो वर्क डन तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। सेकंड केस में जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में दिस इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। क्लियर। एंड इन द थर्ड फिगर एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज 180 डिग्री एंड जब एंगल 180 डिग्री है दैट इज वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है दैट इज व्हाई W इज इक्वल्स टू -Fs दैट इज जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोनी सेज दैट द एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट वुड बी जीरो, वी कैन से कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। सोनी ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सीलरेशन लगता है वो जीरो हो सकता है तब भी जब उस पे काफी सारी फोर्सेस लग रही हो। डू यू एग्री विद हर, क्या आप उसके साथ एग्री हो, व्हाई? एक्चुअली यस, आई एम एग्री विद सोनी। मैं सोनी के साथ एग्री हूँ। क्यों? क्योंकि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेवरल टाइम आई मीन टू से किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रहे हैं, क्लियर, तो जो एक्सेलरेशन है उस टाइम पे जीरो हो सकता है। दैट इज व्हाई आई एम एग्री विद सोनी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द एनर्जी इन 2 वाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 50 वाट ईच। आपको क्या करना है,
एनर्जी फाइंड आउट करनी है किलोवाट आवर में, जो 10 आवर कंज्यूम, जो 10 आवर्स में कंज्यूम की जाती है बाय 4 डिवाइसेस, 4 डिवाइसेस के थ्रू, जिनकी पावर 500 वॉट है हर की। यहाँ पे हमें पावर गिवन है 500 वॉट, टोटल पावर 4 डिवाइसेस की 4 × 500, दैट विल बी इक्वल्स टू 2000 वॉट। क्लियरली सो एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी इक्वल्स टू पी इनटू टी, दैट इज 2000 × 10, सो इट विल बी इक्वल्स टू 2 × 10 की पावर 4 किलोवाट आवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। कोई भी एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो इवेंचुअली स्टॉप हो जाता है जैसे ही वो ग्राउंड पे पहुंचता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या हुआ। एक्चुअली व्हेन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द अर्थ, जब भी कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अर्थ को स्ट्राइक करता है, देन सम साउंड एंड हीट इज प्रोड्यूस, तो कुछ साउंड या हीट प्रोड्यूस होती है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट कन्वर्स इनटू साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो इस केस में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की, वो कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में। इज दैट क्लियर। That when freely falling object strikes the earth, then some sound and heat is produced. So the kinetic energy of the object converts into the sound energy and the heat energy. So what did we learn today? आज हमने क्या study किया? आज हमने work and energy के जो exercise questions थे, उनको भी solve out कर लिया. And that's the end of this chapter. In next chapter, we are going to discuss more about our textbook. Till then, good luck.